विनीता खेमकर, आप देख रहे हैं समाचार 924। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम देश विदेश में। सुब्रमण्यम स्वामी पर लगाम कसने के लिए बीजेपी ने नया रास्ता अपनाया है। पार्टी ने उन दो प्रोग्राम को रद्द कर दिया है जहां स्वामी की स्पीच होनी थी। नरेंद्र मोदी भी रघुराम राजन के बारे में स्वामी की बयानबाजी पर कड़ा मैसेज दे चुके हैं। इस बीच खबर है कि स्वामी की बयानबाजी से नाराज अरुण जेटली मोदी से मुलाकात करने जा सकते हैं। जेटली मंगलवार सुबह ही चीन से लौटे हैं और मोदी से मिलने जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जेटली पीएम से स्वामी की शिकायत करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सातवें कमीशन को लेकर चर्चा होगी। दरअसल राजन समेत देश के कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स पर जब स्वामी ट्विटर के जरिए हमला कर रहे थे, जेटली ने उन्हें इशारों में डिसिप्लिन रहने को कहा था। स्वामी इस पर भड़क गए थे और उन्होंने जेटली को भी निशाने पर लेते हुए कहा था कि उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा तो खून खराबा हो जाएगा। पंपो ने शनिवार को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने वाले दो आतंकियों को मार गिराने के क्रेडिट को लेकर सीआरपीएफ और आर्मी में होड़ चल रही है। आर्मी का दावा है कि उसने आतंकियों को मारा, जबकि सीआरपीएफ का कहना है कि ये काम उसके जवानों ने किया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का दामाद खालिद वलीद है। बता दें कि 25 जून को हुए इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक आर्मी दावा कर रही है कि एनकाउंटर के दौरान उसने आतंकियों को ढेर किया था। इतना ही नहीं, आर्मी के जवान बाद में आतंकियों से बरामद हथियार और गोला बारूद भी ले गए, जबकि आतंकियों को पैरा मिलिट्री फोर्स ने मार गिराया था। आर्मी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। एनकाउंटर के करीब एक घंटे बाद आर्मी नॉर्दर्न कमांड ने एक ट्वीट किया। इसमें कहा गया कि सीआरपीएफ काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों को हमने मार गिराया है। सीआरपीएफ ने इसको खारिज करते हुए कहा कि आतंकियों को उसके जवानों ने ढेर किया है। इसके बाद आर्मी ने फिर ट्वीट करते हुए कहा कि इस एनकाउंटर को ज्वाइंट ऑपरेशन बता दिया। पैरामिलिट्री फोर्स ने इस पर भी एतराज जताया। इसके बाद आर्मी ने आखिरी ट्वीट किया कि ऑपरेशन का पूरा क्रेडिट सीआरपीएफ को दे दिया। मतगांव निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के पैसेंजर्स हादसा का शिकार होने से बाल बाल बच गए, जब ट्रेन ढलान पर ड्राइवर के बिना करीब 15 किलोमीटर तक चलती रही। बाद में चढ़ाई आने पर जब ट्रेन स्लो हुई तो गार्ड रूम में बैठे ड्राइवर ने किसी तरह इंजन पर चढ़कर ट्रेन को कंट्रोल में लिया। घटना रत्नागिरी स्टेशन के पास हुई। रेलवे ने मामले की जाँच के ऑर्डर्स दिए हैं। रत्नागिरी स्टेशन के पास सोमवार को ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आई। शाम 5:50 पर इसे एक सुरंग के पास रोका गया। कुछ टेक्नीशियन इंजन की खराबी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ढलान होने के कारण ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। सूत्रों की माने तो इस दौरान राजधानी एक्सप्रेस का ड्राइवर गार्ड के केबिन में था। गनीमत रही कि कुछ दूरी पर चढ़ाई थी और ट्रेन की स्पीड अपने आप कम होने लगी। इसी बीच ड्राइवर इंजन पर चढ़ने में कामयाब रहा और उसने ट्रेन को कंट्रोल किया। वारियार राजघराने के महाराज यदुवीर की शादी की रस्में सोमवार को पूरी हुई। मैसूर पैलेस के मंडप में यदुवीर ने राजस्थान के ड्रगपुरा की राजकुमारी त्रिशिका सिंह के साथ साथ फेरे लिए। परंपरा के मुताबिक सारी रस्में निभाई, जिसमें दूल्हे ने दुल्हन के पैर में बिछिया पहनाई। बता दें कि इस राजघराने में पिछले 400 साल से राजा रानी का बेटा नहीं हुआ है। यदुवीर भी महारानी का गोद लिया हुआ बेटा है, जिसके बाद पिछले साल उनका राज तिलक हुआ था। दिवंगत महाराज श्रीकांत दंत नरसिम्हा राज वडियार और रानी प्रमोदा देवी की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानी प्रमोदा देवी ने अपने पति की बड़ी बहन के बेटे यदुवीर को गोद लिया और वडियार राजघराने का वारिस बना दिया। यह घराना राज परंपरा आगे बढ़ाने के लिए 400 सालों से फैमिली के किसी दूसरे मेंबर के पुत्र को गोद लेते आया है। कहा जाता है कि 1612 में साउथ के सबसे पावरफुल विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वडियार राजा के आदेश पर विजयनगर की अकूत धन संपत्ति लूटी गई थी। उस वक्त विजयनगर की तत्कालीन महारानी अलमेलम्मा हार के बाद एकांत वास में थी, लेकिन उनके पास काफी सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे। वडियार ने महारानी के पास दूत भेजा कि उनके गहने अब वडियार साम्राज्य की शाही संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए उन्हें दे दे। अलमेलम्मा ने जब गहने देने से इनकार किया तो शाही फौज ने जबरन खजाने पर कब्जे की कोशिश की। इससे दुखी होकर अलमेलम्मा ने कथित तौर पर श्राप दिया था कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ा है, उसी तरह तुम्हारा देश वीरान हो जाए। इस वंश के राजा रानी की गोद हमेशा सूनी रहे। इसके बाद अलमेलम्मा ने कावेरी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। नरेंद्र मोदी ने स्वामी को सोमवार को नसीहत दी। उन्होंने कहा, ये जो पब्लिसिटी का शौक है, देश का भला नहीं होने वाला है।
कोई अपने आप को व्यवस्था से बड़ा माने यह गलत है। राजन किसी से कम देशभक्त नहीं है। एक इंटरव्यू में एनएसजी मेंबरशिप को लेकर चीन के विरोध पर भी पीएम पहली बार बोले कि कुछ विषय में हमारे सैद्धांतिक मतभेद हैं। मोदी ने कहा, जब मेरी सरकार बनी 2014 मई में, उस वक्त के अखबार टीवी डिबेट निकाल लीजिए, डिबेट ये होती थी क्या नई सरकार राजन को रहने देगी। सबका एक मत था कि पुरानी सरकार ने अपॉइंट किया इसलिए मोदी निकाल देगा। आपने देखा, उन्होंने टेन्योर पूरा किया, वो सारी गलतफहमियां चली गई। आज जो उनके लिए विवाद कर रहे हैं, वे उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम में से किसी से भी राजन ने देशभक्त जरा सी भी कम नहीं है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को बहुत समझदारी के साथ कुछ बोलना चाहिए। मैं जितना जानता हूं, वे किसी भी पद पर हों, कहीं भी हों, भारत की सेवा और देश को प्यार करने वाला इंसान है। मेरा अनुभव उनके साथ अच्छा रहा, उनके काम की सराहना करता हूं। उनके भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे यमन में हुए सीरियल ब्लास्ट के बारे में।